दोस्तों ये है मटर और दरअसल ये अंकुरण हो गया है। तो बात यह है कि मैं 2-3 दिन पहले इस रेसिपी को बनाने वाला था पर कुछ कारणवश नहीं बना पाया था, तो इसे मैं पन्नी में पैक करके फ्रिज में रख दिया था, तो ये अंकुरण हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कुकर ले लिया है, कुकर में मैंने सारे मटर को डाल दिया है और यहाँ पर हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल, जिससे अच्छा फ्लेवर मिलेगा, अच्छा टेस्ट मिलेगा। हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और खाने का सोडा, जिससे मटर हमारी अच्छे तरीके से गल जाएगी और स्वाद एकदम बाजार जैसे। 1.5 गिलास पानी डाला है जिससे अच्छे से गल जाएगी। हाई फ्लेम रखें, हाई फ्लेम में आप कुकर में करीब 6 से 7 सीटी मारें जिससे मटर पूरी तरीके से गल जाएगा। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं मटर पूरी तरीके से गल गया है। तो यहाँ पर आप नमक और जीरा मसाला डालकर खा सकते हैं, पर हम यहाँ पर कुछ अलग करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर कटी हुई प्याज ले ली है, कटे हुए टमाटर और यहाँ पर उबला हुआ आलू ले लिया है। दरअसल हम बनाएंगे आलू की टिक्की, वो भी घर में और कढ़ाई में। कढ़ाई गर्म कर लेना है, आप देख सकते हैं मैंने तेल डाल दिया है। तेल कड़कने के बाद में उसमें आप जीरा डालें और जीरा को भी अच्छे से कड़का लें। जीरा अच्छे से कड़कने के बाद में प्याज डालना है, उसके बाद में आपको डालना है कटे हुए जो टमाटर हमने लिया है वो टमाटर डालना है और सिर्फ आपको इसको फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब तो जानते ही हैं कि बाज़ार में जो आलू टिक्की बनाते हैं कितनी जल्दी बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पर कुछ मसाले जैसे कि हल्दी, धनिया मसाला और गरम मसाला डाल दें जिससे स्वाद एकदम दमदार आएगा। फिर इसे आप फ्राई कर लें अच्छा से। यहाँ पर मैंने मिर्ची और धनिया का चटनी बनाया था, उसमें का थोड़ा सा पेस्ट मैं इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, आप लाल मिर्ची खाते हैं तो, पर यहाँ पर मैं लाल मिर्ची नहीं डाला हूँ। यहाँ पर हमने आलू को डाल दिया है और यहाँ पर हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालें, ध्यान रखिएगा नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम इसे नॉर्मली फ्राई करेंगे, ठीक, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कैसे मैंने यहाँ पर फ्राई की हुई है, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके बाद हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी ऐड करोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला, इसलिए एकदम ध्यान से पानी ऐड करना, जितने में वो अच्छे से मिल जाए, गल जाए, ठीक। यहाँ पर हमारा आलू टिक्की बनके तैयार है और इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। यहाँ पर हम प्लेट में निकालने के बाद जो गली हुई मटर थी उस मटर को ऊपर में डाल देंगे। देखते जाइए कैसा बनता है। यहाँ पर मैंने डाला है मीठा दही, मतलब कि दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने डाला है सेंधा नमक, ठीक, जीरा मसाला, कुछ कटे हुए प्याज डालने वाला हूँ, आप देख सकते हैं ये मैंने कटे हुए प्याज डाल दिए, कुछ टमाटर के टुकड़े, ठीक, जो हमने काट के रखा था, और इसके ऊपर डाला हूँ हल्दीराम का भुजा सेव। पूरा बन गया ना बाज़ार के जैसे आलू टिकिया, पर ये हमारे घर का बना हुआ है, स्वाद एकदम दमदार, और खा कर दिखाता हूँ कैसे है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और ऐसे ही आपको यहाँ पर खास एक से जुड़ी एक रेसिपी मिलते रहेगी। जय हिंद, जय भारत।